अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि यार एमबीए करना कब चाहिए, एज फ्रेशर्स या कुछ एक्सपीरियंस ले लें, एक दो साल काम कर लेते हैं। जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना, कई कैंडिडेट्स मिलते हैं कि अभी ना हम एक दो साल काम करेंगे उसके बाद एमबीए करने जाएंगे, इंडिया में या बाहर। कईयों का सवाल तो ऐसे होते हैं कि हमने सुना है कि जब कंपनीज एमबीए कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स करने आती हैं तो वो फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देती। क्या ये सब सही है, क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटी है, ये आज की वीडियो में जानते हैं। क्या आप फ्रेशर हैं तो एमबीए करना सही है, कि क्या एक्सपीरियंस है तब एमबीए करने के लिए आपको जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं कि एज अ इंडिविजुअल आपको एमबीए क्यों करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्लियर है कि एमबीए मुझे करियर के लिए चाहिए, मुझे जॉब अच्छी करनी है इसलिए चाहिए, तीसरा मुझे बिजनेस के बारे में जानना है इसलिए मुझे चाहिए, चौथा मुझे अपना डोमेन चेंज करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने बीएससी किया है, आपने बीकॉम किया है, आप उसी सेम डोमेन में आगे करियर नहीं देख रहे हैं इसलिए आप एमबीए कर रहे हैं। या कॉमन एक ये भी हो सकता है कि यार मुझे पता ही नहीं क्या करना है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं एमबीए कर लेते हैं तो मैं भी एमबीए कर लेता हूं। इन सब जो रीजंस है ना, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक एमबीए की 60 या 90 या 120 की जो क्लास होती है ना, उसमें इस सारे टाइप्स के लोग आपको मिलेंगे, तो कोई गलत नहीं है। एमबीए इज दैट वन प्लेटफॉर्म वेयर व्हाट एवर योर रीजंस आर, व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए, योर क्लास विल यू नो एंटरटेन यू विद एन ओपन आर्म। सो सबसे पहली बात तो ये भूल जाइए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर आपने आज भी डिसाइड नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप टाइम लेके एमबीए करना चाहते हैं, जिसका मतलब एक साल, दो साल, तीन साल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन एन एवरेज एक अच्छा कॉलेज, आईएम अहमदाबाद की बात करें, आईएसबी हैदराबाद की बात करें, यहां पे तो 70% से ज्यादा लोग एक्सपीरियंस के होते हैं, 30% या 40% लोग होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, क्योंकि क्लास की डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। फ्रेश जो बच्चा होता है वो अपना एक यू नो वो बायसनेस से क्लास में नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमबीए स्कूल्स हैव द केस स्टडी अप्रोच, केस स्टडी के थ्रू पढ़ाते हैं, विच मीन्स आप बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। तो उसमें दोनों, एक्सपीरियंस का फायदा क्या है कि वो देख के आया बिजनेस कैसे चलता है, फ्रेशर का फायदा क्या है कि वो एक नए लेंस से सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं यू नो हाई यू नो कॉम्पिटेंट इन्वायरमेंट में, अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन करना, और वो नहीं मिला है, तो मेरा यू नो वो रहेगा कि आप एक एक्सपीरियंस ले लीजिए, क्योंकि क्लास में बैठ के क्लास पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड, अगर आपको बहुत क्लियर है कि यार मुझे ना करियर नहीं चाहिए, मुझे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की जॉब नहीं चाहिए, मुझे तो जाके पापा के या मम्मी के साथ जाके बिजनेस में बैठना है, कंटिन्यू करना है, बस मुझे कॉमन नॉलेज ऑफ एमबीए चाहिए, फिर बिल्कुल टाइम स्पेंड मत कीजिए एक्सपीरियंस लेने के लिए। जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन गो एंड ज्वाइन अ गुड एमबीए कॉलेज, बिकॉज द एमबीए कॉलेज विल टीच यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। So, आपकी प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि इसके बाद प्रायोरिटी ये भी आती है कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में करना है, क्या आपको मार्केटिंग में करना है कि क्या फाइनेंस में करना है, क्या एचआर में करना है, क्या आईटी में करना है, आपको पसंद क्या है। अगर ये क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एज फ्रेशर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि फर्स्ट ईयर जो एमबीए का होता है ना वो कॉमन होता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको हर सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ लेक्चर्स होंगे, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको केस स्टडीज दी जाएंगी, जिसे आपको पता लगेगा कि यार मेरा इंटरेस्ट किस में है, ताकि आप सेकंड ईयर में जाके स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रही थर्ड बात, आपको ये जो क्वेश्चन आता है कि जब कंपनीज आती हैं वो फ्रेशर्स को और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के बीच में भेदभाव करते हैं, ये कहना सही नहीं होगा। हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी आ रही है, वो दोनों टाइप्स के प्रोफाइल खोलती है कि आपका प्रायर कोई एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हैं। बट लार्जली गुड ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी, वेदर यू हैव एन एक्सपीरियंस और यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस। आप अगर उस इंस्टीट्यूट में आपने एक बार एंट्री ले ली है और आपने अपने क्वालिफाइंग मार्क्स रख लिए हैं और आप जीडी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और पीआई में बैठ चुके हैं, उसके बाद कंपनी कहीं डिफरेंशिएट नहीं करती है, ये मिथ है।
हाँ कुछ प्रोफाइल्स होंगे जहां पे बोला जाएगा कि क्या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या आपने इंजीनियरिंग ही की हुई है। वो डिपेंड करता है कि जो कंपनी हायर करने आ रही है वो किस पर्टिकुलर रोल के लिए करने आ रही है, अदरवाइज कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। पैकेजेस का फर्क भी नहीं होता है, लार्जली पैकेजेस का फर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होता, रोल के बेसिस पे होता है कि वो किस टाइप के रोल में आपको लेके जाके आपको पहला प्रोजेक्ट देने वाली है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए आपको, मुझे लगता है, चॉइस में आता है अगर आपको अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है। कौन होगा ऐसा बच्चा जिसको मान लो पहले अटेम्प्ट में आई एम अहमदाबाद मिल गया और अभी वो थर्ड ईयर ऑफ बीबीए में है या फाइनल ईयर ऑफ बीटेक में है। आई थिंक यू शुड नॉट लूज आई एम अहमदाबाद टिकट्स और आईएसबी हैदराबाद टिकट और एनी अदर गुड यूनिवर्सिटी और कॉलेज टिकट। बट इफ यू आर वेरी श्योर कि नहीं यार मुझे टॉप एमबीए कॉलेज से एमबीए नहीं करना है, मैं एक टीयर 2 कॉलेज से एमबीए करना चाहता हूं क्योंकि मेरे एस्पिरेशंस अलग हैं, तो आप वेट मत कीजिए, आप डायरेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो एंड चूज टू डू एन एमबीए फ्रॉम अ कॉलेज ऑफ योर चॉइस। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि आपको एमबीए कब करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि एमबीए एक्सपीरियंस के बाद करना है या एज अ फ्रेशर करना है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।